जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। सीआरपीएफ में इंडक्ट हुए टाटा कैस्ट्रल। एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर में कंडक्ट की गई ट्राई सर्विसेज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कॉन्फ्रेंस। सोमवार तक भारत और अमेरिका की जेट इंजन वाले डील में यूएस कांग्रेस की मंजूरी मिलने की उम्मीद। कोलकाता से गिरफ्तार हुआ पाकिस्तानी जासूस। और एचएल ऑफिशियल के मुताबिक तेजस मार्क बने GF-17 को हर एक पैरामीटर में कर सकता है पीछे। भारत की स्टेट ऑन कंपनी BEML लिमिटेड ने इंडियन आर्मी से 12.2 मिलियन यूएस डॉलर्स तक के कॉन्ट्रैक्ट को रिसीव किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत BEML इंडियन आर्मी को कमांड पोस्ट व्हीकल्स सप्लाई करेगी। हालांकि कमांड पोस्ट व्हीकल्स कितनी संख्या में डिलीवर किए जाने तो इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन ये जो व्हीकल्स हैं आर्मी के मैकेनाइज फोर्सेज के साथ ऑपरेट करने के लिए चाहिए, जिससे मोबिलिटी, प्रोटेक्शन, कम्युनिकेशन तो इस तरह के जरूरी ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। और इन कमांड पोस्ट व्हीकल्स का इस्तेमाल कई अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस में किया जाता है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ की बटालियंस में DRDO और टाटा द्वारा बनाए गए व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म्स की दो यूनिट्स को इंडक्ट किया गया है। और ये व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म्स वही हैं जो कि टाटा कैस्ट्रल के नाम से भी मशहूर हैं। इनका वजन करीब 24 टन है, इनकी लंबाई 8 मीटर की है, चौड़ाई 3 मीटर की है। इनमें ऑटोमेटेड टायर इन्फ्लेशन सिस्टम, इस व्हीकल में माउंट की गई MMG यानी कि मीडियम मशीन गन को फायर करने के लिए रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, तो इस तरह के कई एडवांस सिस्टम्स इसमें इक्विप्ड हैं। ये फुली बुलेट प्रूफ है, माइन प्रूफ है। इसके अलावा इसमें ड्राइवर और 10 ट्रूप्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी है। और ये भारत में बना ऐसा पहला व्हीकल है जो कि सड़क पर या फिर दलदली इलाके या पानी वाले इलाके में भी ऑपरेट करने में सक्षम है। और ये पहाड़ी इलाकों में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और बेहद ही कॉम्प्लेक्स टेस्ट कंडक्ट करने के बाद इसे CRPF की सर्विस में इंडक्ट किया गया। भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 23 अगस्त को विशाखापट्टनम में INS कलिंग द्वारा समुद्रिका ऑडिटोरियम में मिसाइल टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव कम सिंपोजियम को आयोजित किया गया था। और इस इवेंट की थीम थी आत्मनिर्भरता इन मिसाइल रिपेयर्स एंड इंडिजनाइजेशन टेक्नोलॉजीज, शॉर्ट फॉर्म में अमृत 2023। और इस कॉन्क्लेव कम सिंपोजियम के दौरान DRDO, PSUs, DPSUs, भारत के प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज, MSMEs, स्टार्टअप्स, स्टेट गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेटिव्स, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, तो इन सभी की तरफ से काफ़ी कमाल का रिस्पॉन्स देखने को मिला है। और इनके द्वारा इस इवेंट के दौरान मिसाइल रिपेयर्स और इंडिजनाइजेशन के क्षेत्र में अपनी अपनी एक्सपर्टीज और कैपेबिलिटीज को भी डेमोस्ट्रेट किया गया था। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि 24 और 25 अगस्त को एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर में ट्राई सर्विसेज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। और इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, ADA, ADE, NTRO और HAL के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल थे। और जबकि इंडियन एयरफोर्स से जुड़ा एक अपडेट ये भी है कि मेक टू स्कीम के तहत विंड प्रोफाइलर को स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप करने के लिए भारत की 6 प्राइवेट फर्म्स के लिए प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर जारी किए गए। बाकी आपको बता दें कि जो विंड प्रोफाइलर हुआ वो एक एविएशन स्पेसिफिक मीटरोलॉजी इक्विपमेंट है जिसका इस्तेमाल हायर फ्लाइट लेवल्स पर हवा की रफ्तार और उसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। इंडियन मीडिया के साथ खास बातचीत में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गासेटी की तरफ से बताया गया कि जो भारत और यूएस की जेट इंजन वाली डील है तो उस डील को यूएस कांग्रेस की तरफ से अप्रूवल सोमवार तक मिलने की पूरी उम्मीद है। बाकी जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हम आपको बता चुके हैं कि अपकमिंग G20 समिट में शामिल होने के लिए यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से कंफर्मेशन ऑलरेडी आ चुका है। बाकी अमेरिकी राजदूत से जब ये प्रश्न पूछा गया कि क्या यूएस प्रेसिडेंट के इस भारत विजिट के दौरान G20 समिट के साइडलाइंस कोई बायलेटरल मीटिंग्स कंडक्ट होने की भी संभावना है या नहीं, तो इस पर उनका यह कहना था कि इसके लिए फिलहाल अभी कोई शेड्यूल तो सेट नहीं किया गया है, लेकिन हाँ ये होने की पूरी उम्मीद है। और उनका यह भी कहना था कि इस बार कम से कम 5 से 6 बार ऐसा हुआ है जब भारत और अमेरिका के लीडर्स फेस टू फेस एक दूसरे से मिले हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, खास करके भारत में। और जबकि भारत और चीन के रिलेशंस पर उनका यह कहना था कि अमेरिका भारत का मित्र है और हम भारत के सपोर्ट में हैं, जैसा कि हम पास्ट में भी थे। अमेरिका भी चीन के साथ अच्छे रिलेशंस चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी लाइंस जरूर हैं जिन्हें डील करने की जरूरत है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट स्पेस सेक्टर से भी है, जहां भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से बताया गया कि चंद्रयान 3 मिशन के जो 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे उनमें से 2 तो कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरे ऑब्जेक्टिव पर ऑलरेडी काम चल रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव था चंद्रमा के सरफेस पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, दूसरा था चंद्रमा के सरफेस पर रोवर का सफलतापूर्वक डेमोंस्ट्रेशन देना, और तीसरा है इस रोवर के द्वारा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना, जो कि ऑलरेडी चल रहा है। बाकी आज भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को भी विजिट किया था और जहां उन्होंने इसरो के सभी वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बधाई दी। और इसके साथ उन्होंने इस बात की भी अनाउंसमेंट करी कि अब से 23 अगस्त का दिन, यानी कि जिस दिन विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक मून पर लैंडिंग करी थी, तो अब से इस दिन को भारत में नेशनल स्पेस डे की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। चंद्रमा के जिस जगह पर लैंड किया है तो अब से उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और इतने नहीं बल्कि चंद्रमा के सरफेस पर जहां पे चंद्रयान 2 ने भी अपने निशान छोड़े थे तो उसे तिरंगा के नाम से जाना जाएगा।
जो कि भारत के हर एक प्रयास के लिए एक प्रेरणा की तरह होगा और ये हमें रिमाइंड कराता रहेगा कि कोई भी फेलियर फाइनल नहीं होता है। बाकी चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो का मेन फोकस है भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य 11 पर, जिसे 2 सितंबर को लॉन्च करने के लिए शेड्यूल किया गया। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता से एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से कई सारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर किए गए और कोलकाता पुलिस ने जो ऑपरेशन है ये एक टिप के आधार पर लॉन्च किया था। बाकी गिरफ्तार किए गए इस व्यक्ति का नाम क्या है तो इसके बारे में तो कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये बिहार का रहने वाला है और ये सीधे तौर पर कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल था जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा थी। इसकी जो गिरफ्तारी है वो कल रात को की गई है और इसकी मोबाइल फ़ोन से फोटोग्राफ्स, वीडियोस और ऑनलाइन चैट के अलग अलग फॉर्म में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि किसी सस्पेक्टेड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को भेजी गई है। ये जो आरोपी है ये कोलकाता में किसी कुरियर सर्विस कंपनी में काम कर रहा था और इससे पहले ये दिल्ली में भी रह चुका है। इसके अलावा एक अपडेट ये कि 25 अगस्त को जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा और कुपवाड़ा में इंडराव में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशंस को लॉन्च किया गया था और इन ऑपरेशंस के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और जबकि एक एक राइफल, 2 पिस्टल और बाकी के वॉर लाइक स्टोर्स भी रिकवर किए गए और मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो जैसा कि इंडियन एयरफोर्स LCA तेजस मार्क 1A के 100 और ऑर्डर्स को प्लेस करने की योजना बना रही है, तो LCA तेजस से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट यूरेशियन टाइम्स की तरफ से देखने को मिली है और जिसमें उन्होंने तेजस प्रोग्राम से जुड़े हुए HAL ऑफिशियल के हवाले से बताया कि जो LCA तेजस है वो JF-17 के मुकाबले ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा मैन्यूरेबल है, ज़्यादा एजाइल है और एक ज़्यादा रिलायबल एयरक्राफ्ट है। उनका यह भी कहना था कि चाइनीज JF-17 जिसमें इनिशियली रशिया के RD-93 इंजन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन चाइनीज एयरफोर्स ने खुद ही JF-17 को उनके सर्विस में इंडक्ट करने के लिए सूटेबल नहीं समझा। फिर उसके बाद चाइना ने JF-17 ऑपरेटर्स के लिए अपने खुद के इंजन WS-13 को ऑफर किया, जिसे पाकिस्तान भी JF-17 ब्लॉक 3 के लिए ऑलरेडी रिफ्यूज़ कर चुका है और चाइना का जो WS-13 इंजन है वो अनप्रूवन है और उसमें कई सारे रिलायबिलिटी इश्यूज़ हैं और बिना रिलायबल इंजन के JF-17 पायलट की सेफ्टी के लिए काफ़ी खतरनाक है और WS-13 इंजन से इक्विप्ड JF-17 के साथ जो मिशन सक्सेस के चांसेस हैं वो बहुत ही पुअर हैं। वहीं अगर बात करें तेजस की तो तेजस को पावर देते हैं जनरल इलेक्ट्रिक के 404 इंजन्स और ये वो इंजन है जो कि दुनिया भर के कई सारे एयरक्राफ्ट में ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहे हैं और इनके एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ तक कि अगर बात करें सर्विसबिलिटी की तो उस मामले पर भी JF-17 तेजस से काफ़ी पीछे है। इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन में जो तेजस फाइटर्स इंडक्ट हैं तो उनकी सर्विसबिलिटी रेट है 75%, जबकि JF-17 के केस में ये नंबर बहुत ही पुअर है। JF-17 के कई सारे क्रैश रिकॉर्ड भी हैं जबकि LCA तेजस का आज तक कोई भी एक्सीडेंट का रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ तक कि अपने डेवलपमेंट के दौरान भी तेजस ने कभी भी किसी मेजर क्रैश का सामना नहीं किया और शायद दुनिया का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसने डेवलपमेंट से लेकर इंडक्ट होने तक 0 क्रैश का रिकॉर्ड बनाया। और HAL ऑफिशियल्स ये मानते हैं कि LCA तेजस मार्क 1A चाइनीज JF-17 को हर एक पैरामीटर में पीछे कर सकता है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2011 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक पतित अशोक वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1988 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार मोदाराम ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1996 में सियाचिन ग्लेशियर में सप्लाई मिशन के दौरान एनिमी फायर में शॉट डाउन होने वाले MI-17 हेलीकॉप्टर के क्रैश में हमारे 4 एयर वॉरियर ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिनके नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट संदीप जैन, पायलट ऑफिसर वैभव भागवत, सार्जेंट आर मुरिगप्पा और सार्जेंट कृष्ण सिंह झा। और इनमें से फ्लाइट लेफ्टिनेंट संदीप जैन और पायलट ऑफिसर वैभव को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि भारत की कौन सी स्पेशल फोर्सेज यूनिट डेजर्ट स्कॉर्पियन के नाम से जानी जाती है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।